ओके देन नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। आई होप आपका एफआर का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। मैंने सुना बहुत लेंदी था, एज यूजुअल एफआर लेंदी ही होता है, एंड एवरेज, आई थिंक एवरेज अबव एवरेज का टाइप ऑफ पेपर था। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड कुछ क्वेश्चंस एज यूजुअल इंस्टीट्यूट थोड़ा बहुत तो खेले गई सीए फाइनल लेवल पे, बट आई होप यू हैव डन अ गुड जॉब। रोके कुछ भी नहीं होने वाला है, सो प्लीज अब आगे का पढ़ाई करो। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आएंगे, सर मेरा खाली 60-70 मार्क्स ही अटेम्प्ट हुआ, मेरा इतना मार्क्स अटेम्प्ट हुआ। अभी छोड़ दो ना, वो बोलने से या उससे बारे में डिस्कस करने से ना आपके मार्क्स बढ़ने वाले ना कम होने वाले। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज एसएफएम। तो सर एसएफएम के लिए मैं आप लोग के साथ क्या क्या करने वाला हूं वो मैं क्विकली डिस्कशन कर देता हूं, सो दैट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। सो मैंने बनाया है पूरा आप लोगों के लिए एक मस्त वाला फॉर्मूला नोट्स। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, IRRM, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड्स, M&A, ये सब से, ये जितने भी चैप्टर्स है ये सब में जितने भी फॉर्मूलाज है वो अपने को ट्रेवल करते हैं। सो इनका मैंने एक फॉर्मूला शीट बना दिया है जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ले लो एंड डेफिनेटली वॉच इट आउट, बिकॉज आप लोग के लिए बहुत काम का होने वाला है। सो हर एक फॉर्मूला जो भी आप लोग के पोर्टफोलियो में है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिस्टमैटिकली, एकदम मैंने कनेक्टिंग वे में ये सारे फॉर्मूलाज रखे हैं सो दैट यू कैन यूज देम ऑल। सो CAPM बाय विलियम शार्प एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं, जो कनेक्टिंग है, सब आपको मिल जाएगा। ये वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज का भी है ऐसे ही। सो एज आई सेड, ये मैं अप्रोक्सीमेटली 7:38 PM को शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डाउनलोड इट, एग्जाम में प्लीज जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक इसको साथ में रखना, सारे फॉर्मूलाज इससे रिवाइज कर लेना। ऑब्वियसली लॉजिकली आपको तो फॉर्मूला करना है, बट एक जगह पे फॉर्मूला रहे तो चीजें आप लोगों को क्लिक होती रहती है, दैट्स द होल रीजन मैंने ये बनाया है। ये ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के मैं आप लोगों को दे दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। दूसरा है सर मैराथन, आप हम लोग के साथ लेने वाले हो क्या? द आंसर इज इच्छा बहुत है, सो डेफिनेटली अपन करेंगे, बट मैं बोलते ना एकदम भगा के सिर्फ यू नो टच 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 कर दू, उससे अच्छा मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा मैं फॉर्मूला प्लस सम्स थोड़ा प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन करके एटलीस्ट जो ये फर्स्ट फोर दिख रहे हैं आपको, पोर्टफोलियो, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, IRRM, ये तो मैं एकदम प्रॉपरली करवा ही दूंगा एंड टाइम परमिटिंग फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड्स, M&A भी करवाने की मेरी इच्छा है। आज अगर ये पूरा ना हो पाए तो प्रॉबेबली कल का भी दिन है अपने पास, वील ट्राई टू मैनेज। If not the lecture, then in that case, definitely आप लोग के पास जो भी पूरा formula sheet रहेगा, theory रहेगा, उससे भी आप लोग काफी हद तक manage कर लोगे। So yes, we are meeting today at around 7:30-7:45 PM। Start करेंगे अपन लोग इन chapters से, portfolio से start करेंगे, important है, 15 मार्क के लिए आता है फॉर्मूला। बराबर से इसमें अगर हो गया तो एक मोमेंटम सेट हो जाएगा, फिर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, फिर वो चैप्टर जो आप यूजुअली ऑप्शन में छोड़ने का सोचते हो, डोंट डू दैट, डेरिवेटिव्स, फिर IRRM, एंड देन देखते हैं उसके बाद टाइम कैसे बैठता है। आज का भी दिन है, मैं कल के दिन को भी गिन रहा हूं, सो करके, एंड मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आई एम गोइंग टू होल्ड योर हैंड्स एंड मैं आप लोग के साथ, ऐसा सोचना है कि आपके साथ बैठा हूं। अब अगर संकल्प खुद पढ़ाई करता आज FR का एग्जाम देके आके, तो वो टारगेट करता कि ये 2-3 चैप्टर्स कुछ हो जाए, और जब वो कर रहा है अपनी पढ़ाई तो वो क्या कर रहा है, फॉर्मूलाज देख रहा है, फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी उससे रिलेटेड सम्स है वो कर रहा है। मैं एग्जैक्टली आप लोग को वही करवाने वाला हूं, मैं दोनों को कनेक्ट करके सम्स आप लोग को जो एंड ऑफ द डे एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो अपन लोग सम्स कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस ऊपर ऊपर से आप लोग को बता दूं कि देखो ये है, ये है, इससे रिलेटेड ये वाला सम्स कर लेना, उससे अच्छा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। बट व्हाट आई विल डू इज दोनों को कनेक्ट करवा करवा के जितना मैक्सिमम हो सकता है वैरायटी ऑफ सम्स कवर करूंगा, वैरायटी ऑफ फॉर्मूलास के साथ उनको कनेक्ट कर दूंगा, सो दैट एटलीस्ट जो मेरे साथ कर रहे हो वो आप लोग का फुल एंड फाइनल हो जाए। तो सर आप कहां से करवाओगे? तो अगेन मैंने मॉड्यूल से ही आपके क्वेश्चंस पिकअप किए, तो वही मॉड्यूल से क्वेश्चन पिकअप करके PDF बनाया है, वो आप लोग यूज कर सकते हो। आपके पास मॉड्यूल तो हो गई, दैट ऑल्सो इज ओके, या ऑप्टिमाइज्ड है, या कोई भी, आई एम श्योर ऑथर का भी बुक हो तो भी, उन्होंने भी सम्स लिए तो एंड ऑफ द डे मॉड्यूल से ही होंगे। सो ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी डन, सो लेट्स गिव इट आर बेस्ट एंड प्लीज अब FR के बारे में नहीं सोचेंगे, SFM जो इतना स्कोरिंग है, लेट्स गिव द बेस्ट। मैंने ये बार प्रिडिक्शन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि SFM का पेपर डिफिकल्ट आएगा, सो थोड़ा अपने को नेक्स्ट लेवल का तैयारी करना पड़ेगा गाइज, सो लेट्स बी रेडी फॉर इट। सो ये
मेरा ओवरऑल मोटा मोटा टारगेट है, लेट्स सी हाउ इट प्रोसीड्स। मेरा ये फर्स्ट मैराथन है एसएफएम का, सो टाइमिंग का मुझे इतना फ्रेंकली आइडिया नहीं है, करते जाएंगे तब आइडिया आते जाएगा, एंड वील डू आर बेस्ट। टाइम फॉर मीरू से हास्ता ला विस्ता, मिलते हैं बहुत जल्द 7:38 के आसपास मैं स्टार्ट करूंगा, तब तक प्लीज आप लोग फ्रेश हो जाओ, थोड़ा एक पावर नैप लेने ले लो, एंड वील बी बैक। थैंक यू सो मच। और मैंने एक एसएफएम के लिए पहले मेरा इसका प्रीवियस वीडियो देखोगे तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो, जहां पे मैंने 1.5 डेज का स्ट्रेटेजी भी शेयर किया है, तो इन केस आप ये ना अटेंड कर पाओ, यू कैन यूज दैट एंड दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून।